फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीसी रेसिपीज। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्नोबॉल कुकीज बनाना सिखा रही हूँ। स्नोबॉल कुकीज बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा 1 कप, आइसिंग शुगर 1 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, अनसॉल्टेड बटर 1 कप, 4 से 5 अखरोट, इसकी मैंने गिरी निकाल ली है, 10 से 12 बादाम। कुकीज बनाने से पहले मैं सबसे पहले ये बादाम और अखरोट को चॉप कर लूंगी। दोनों को एक साथ डालकर ही हम चॉप कर लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही चॉप करेंगे। अखरोट और बादाम को मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। सबसे पहले मैं एक बॉल लूंगी, इसके अंदर मैं ये 1 कप मक्खन शामिल कर दूंगी। अब इसमें नमक डालेंगे, वनीला एसेंस, और अब मैं इसमें शुगर डालूंगी, आधी शुगर डालूंगी, आधी शुगर मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इतनी देर फेंटेंगे कि इसकी शक्ल क्रीमी हो जाए। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूंगी। ये देखिए, मक्खन को 2 से 3 मिनट हो गए, अब इसकी शक्ल एकदम क्रीमी हो गई है। अब मैं इसमें ये मैदा डालूंगी। मैदा डाल के इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें एक ग्राउंड जो है ये बादाम और अखरोट डाल दूंगी। इसको भी इसी के साथ मिक्स करेंगे। इसको इतनी देर मिक्स करना है कि इसकी शक्ल एक डो की तरह हो जाए। मक्खन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, अनसॉल्टेड मक्खन होना चाहिए। ये देखिए, इसकी शक्ल डो की तरह हो गई है। अब मैं इसको 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए, डो को 45 मिनट्स हो गए फ्रिज में रखे हुए, अब मैंने इसको निकाल लिया है। कुकीज बॉल बनाने से पहले ये ओवन ट्रे को मैं बटर पेपर लगा चुकी हूँ, अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ओवन को मैंने 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया है। पतीले को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, 20 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पर मैंने पतीले को प्री हीट किया है। कुकी बॉल्स बनाने के लिए मैंने इस तरह का स्पून ले लिया है ताकि एक जैसे बॉल्स बने। अगर आपके पास इस तरह का स्पून ना हो तो आप कोई भी घर में यूज होने वाला स्पून ले सकते हैं। इसको हाथ से इस तरह गोल करके इसके एक जैसे बॉल बनाएंगे हम, और इसको बेकिंग ट्रे पे रखते जाएंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ।
ये देखिए मैंने इस तरह साइज का ले लिया है डो, और इसको हाथ से एक जैसे साइज की इस तरह बॉल्स बनाएंगे और ओवन ट्रे में मैं रखती जाऊंगी। थोड़े थोड़े फासले से रखें। ये देखिए सारी कुकीज मैंने बेकिंग ट्रे पर सेट कर ली हैं। अब इसको ओवन में रखूंगी मैं। ये देखिए ओवन जिसको मैंने 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट किया हुआ है, मैंने ट्रे के अंदर रख दिए। 12 से 15 मिनट में कुकीज बेक हो जाएंगी। ये वाली ट्रे मैंने पतीली में बेक करने के लिए सेट की है, ये मैं आपके सामने ही रखूंगी पतीले में। ये देखिए पतीला भी हमारा प्रीहीटेड है, मैंने इसके अंदर स्टील की प्लेट रख ली है। आप चाहें तो कोई जाली स्टैंड भी रख सकते हैं। 20 मिनट हो गए भगोने को प्रीहीट हुए हुए। अब मैं ये कुकीज इसमें रखूंगी। मीडियम फ्लेम पर कुकीज को बेक करेंगे। 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगी। ये देखिए स्नोबॉल कुकीज बेक हो गई हैं। मैंने इनको निकाल लिया है, अभी ये बहुत गर्म है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये देखिए पतीले में से भी मैंने कुकीज निकाल ली हैं, ये भी बेक हो गई हैं। इनको भी थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ मैं। ये देखिए कुकीज थोड़ी ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ। ये देखिए इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, ये देखिए। अब मैं इन कुकीज को आइसिंग शुगर में कोट करूंगी। कुकीज को उसी वक्त कोट करना है जब ये थोड़ी थोड़ी गर्म हो, बिल्कुल ठंडी होने के बाद इसको कोट नहीं करेंगे। इसी तरह सारी कुकीज में कोट कर लूंगी। ये देखिए ये कुकीज पतीली में बेक हुई है, इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, गोल्डन कलर आ गया है इसमें भी बहुत अच्छा सा। इसको भी मैं अब आइसिंग शुगर में कोट कर लूंगी। ये देखिए स्नोबॉल कुकीज हमारी तैयार हैं। बहुत अच्छी इसमें से नट्स की खुशबू आ रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।